जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार 14 सितंबर 2024 को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली। इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। यह मुठभेड़ रात भर चली जो 13 और 14 सितंबर की दरमियान रात शुरू हुई थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। सुरक्षा बलों की इस कामयाबी से पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में 2 जवान और शहीद हो गए थे। छत्रु थाना क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में JCO नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सेना के 4 जवान घायल हुए थे। इस घटना के बाद बारामूला में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में आतंकवादियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। पूंछ, राजौरी, डोडा और अन्य जिलों में पिछले 2 महीनों से यह घटनाएं बढ़ी हैं। आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं और फिर जंगलों में छिप जाते हैं। इन हमलों में विदेशी आतंकियों का एक समूह शामिल बताया जा रहा है जिनकी संख्या 40 से 50 के करीब है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों से निपटने के लिए 4000 से अधिक प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात किया है जिनमें पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध विशेषज्ञ शामिल हैं। कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह आतंकी घटनाएं और भी गंभीर हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और डोडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह चुनावी सभा प्रधानमंत्री की यूटी में पहले रैली होगी जिसके बाद वह 19 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे। बीजेपी के चुनाव प्रभारी के अनुसार डोडा में किसी प्रधानमंत्री का दौरा 1982 के बाद पहली बार हो रहा है।